गाइस मुझे सच में डर लग रहा है, आगे एक बड़ा सा होल भी है टनल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम जाने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में एक सीक्रेट टनल है उसके अंदर। और यार मैंने सुना है वो जो टनल है ना उसके अंदर आज तक कोई भी नहीं जा पाया। ऊपर से उस टनल के अंदर बताया जाता है बहुत सारे क्रेचर हैं और बहुत सारा सोना है, उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उस टनल के अंदर ना आज तक कोई भी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वहां पर ना लॉक लगा हुआ है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है वो लॉक कैसे खुलेगा। उसके लिए एक चाबी चाहिए और चाबी मुझे पता है कहाँ मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस टनल के पास लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ वो टनल एक्चुअली में दिखता कैसा है, ठीक है? क्योंकि रास्ता बहुत दूर है टनल का, इसलिए मैंने गाड़ी को ले लिया है। और मैंने सुना है ना उस टनल के अंदर काफी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। तो यार आज तो सारी गाड़ियों को चुरा लेंगे। एंड गाइस उसका जो गेट है ना भाई इतना मजबूत है ना, हम RPG वगैरह कुछ भी मार ले वो टूटता नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए रहेगी चाबी और चाबी हमें वहीं पर जाकर पता चलेगी कि कैसे मिलेगी, ठीक है? तो रास्ता आप यहाँ पर देख लो टनल का कैसे कैसे है। ओके गाइज मैं आ चुका हूँ टनल के सामने। ये जो आपको गेट दिख रहा है ना यही टनल है। हाँ गाइज अभी पास जाकर पता चलेगा ये ओपन कैसे होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी तो शायद इसमें लॉक लगा हुआ है, अभी ये ऐसे ओपन नहीं होने वाला है। ओके तो इधर ऑप्शन आ रहा है एंटर द की, मतलब कि यहाँ पर हमें चाबी चाहिए, चाबी से जब ही खुलेगा ये। तो चलो जल्दी से जाकर चाबी ढूंढ के लाते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे तो पता ही नहीं है भाई चाबी कहाँ मिलती है। इतना बड़ा मैप है, मैं चाबी कहाँ ढूंढूंगा यार। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट पर रखिए वहां से उठा लो, या घर में हो वहां से उठा लो। यार चाबी का तो मुझे पता ही नहीं लोकेशन उसकी है क्या। लेकिन एक मिनट, ये ऊपर मैसेज किसका आया फोन पे, उतर के चेक करना पड़ेगा कभी चाबी वगैरह की लोकेशन तो नहीं मिल गई फोन पे। ओके यहाँ पर एक मैसेज तो आया हुआ है, फर्स्ट कंप्लीट 3 मिशन एंड गेट द की। अच्छा हमें 3 मिशन पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे जब जाके हमें चाबी मिलेगी। लेकिन वो 3 कौन से मिशन हो सकते हैं वो कैसे पता चलेगा। अच्छा पहला मिशन अपने सामने आ चुका है, फाइंड द वाटर एलिमेंटल कार। अच्छा तो हमें पहले ये बारी वाटर एलिमेंटल कार ढूंढनी पड़ेगी, ये पहला मिशन है हमारा। तो चलो जल्दी से कार को ढूंढने के लिए चलते हैं। और ये क्या भाई अपना मिशन 1 स्टार्ट भी हो चुका है भाई, जल्दी से जल्द ढूंढनी पड़ेगी। और वो जो वाटर एलिमेंटल कार होती है ना, तो भाई वो नॉर्मल कार नहीं होती, वो सुपर कार होती है, मतलब कि उनके पास में ना पावर होती है। तो वो वाटर एलिमेंटल कार है तो उसके मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना वो वाटर के अंदर ही होगी, उस कार के पास में पानी की पावर है। और भाई वो ऐसी वैसी कार नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर रोड वगैरह पे मिलने वाली है, पक्का पानी के अंदर होगी क्योंकि उसका नाम ही वाटर एलिमेंटल कार है। तो रोड वगैरह पे टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, जल्द से जल्द चलते हैं। सबसे पहले जो बीच के पास में पानी है ना मैं वहां पर ढूंढूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आसानी से मिलने वाली है भाई, इतना ज्यादा पानी है और भाई पता नहीं कहां पर होगी। बट कोई ना, मैं इस पानी के लास्ट तक जाऊंगा, आखिरी जड़ तक जाऊंगा, बट उस कार को ढूंढ के रहूंगा क्योंकि मुझे चाहिए 3 मिशन कंप्लीट करके चाबी, और चाबी से ढूंढना है मतलब खोलना है वो वाला सीक्रेट टनल। और यार ये देखो मैं पानी के अंदर आ चुका हूँ बट अभी तक मुझे कोई भी कार वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। आगे वॉइड है, मतलब कि ये इस गेम का एंड हो जाता है। बट यार कार तो है नहीं, साथ में कैमरा एंगल भी घुमा के देखना पड़ेगा कभी इधर उधर साइड में खड़ी हो, है ना? और अपने सीधा सीधा चले जा रहे हैं और भाई पता चले इस मैप का एंड हो गया। ओके भाई दिख जा यार, प्लीज़ दिख जा, क्योंकि पहला मिशन ना बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड दे दिया। ओके इधर भी नहीं है, मैं सारी तरफ कैमरा एंगल चेंज करके देख रहा हूँ बट मुझे वो कार नहीं दिख रही यार। और आगे वॉइड आने वाला है, और ये क्या भाई सामने वॉइड आ गया बट कार नहीं मिली। एक चांस तो अपना खत्म हो चुका है, पता नहीं कहाँ मिलेगी। और ये भाई साहब लास्ट चांस लिख के आ चुका ऊपर। ओके अब अपने पास लास्ट चांस है, इस बार अगर अपने को बाइक नहीं मिली तो ये मिशन पूरा फेल हो जाएगा। और अपने को चाबी वगैरह भाई सीक्रेट टनल की कोई भी चाबी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली। तो मेरे हिसाब से ना मुझे लगता है जो अपने ट्रेन के पास में एक छोटा सा तालाब है ना उसके अंदर अपने उन्हें चेक नहीं किया है, तो मुझे लगता है वहाँ पर शायद अपनी ना हो सकती है एलिमेंटल कार, वाटर एलिमेंटल कार। तो चलो चेक करते हैं, बाकी कंफर्म नहीं है, अगर मिल जाए ना तो यार बहुत अच्छी बात है क्योंकि लास्ट चांस है, इस बार नहीं हुआ तो ये पूरा मिशन फेल हो जाएगा। ओके मैं आ चुका हूँ ट्रेन के पास वाले तालाब में, अभी मुझे उम्मीद लग रही है यहाँ पर मिल जानी चाहिए कार। अगर यहाँ नहीं मिली ना तो बहुत बड़ा समुद्र है, हर कोने के अंदर ढूंढनी पड़ेगी तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल बाइक को अंदर लेकर चलते हैं क्योंकि मैं बाइक से ही यहाँ पर पानी के अंदर का देख पाऊंगा, अगर स्विमिंग करूंगा तो पानी के अंदर का मुझे कुछ नहीं दिखने वाला। ओके यहाँ पर कैरेक्टर की मुंडी अंदर जानी चाहिए पानी के अंदर, जब भी दिखेगा नीचे का। बट यहाँ पर तो भाई बाइक अंदर डूब नहीं रही पूरी पूरी प्रॉपर तरीके से, अगर डूबेगी ना तो तभी पानी के नीचे का दिखने वाला है ना। ओके इस बार तो शायद डूब जाए, भाई डूब जा, ज़्यादा पानी कहाँ पर है पता भी नहीं चल रहा। थोड़ी सी और आगे करके देखता हूँ, इस बार तो पक्का काम हो जाएगा।
शायद थोड़ा और आगे करनी पड़ेगी बाइक को, एक मिनट आगे करके देखता हूँ। यहाँ पर मैंने किया और अरे भाई वो रही सामने भाई, वही है ना, एक मिनट पास जाकर पता चलेगा भाई। सब मिल गई फाइनली, एक मिनट यही है ना वाटर एलिमेंटल कार, अरे हाँ यही है। मैंने गाइस आपसे पहले ही कहा था वो वाटर एलिमेंटल कार है ना, तो पानी के अंदर ही मिलेगी, पानी के बाहर उसका कोई भी काम नहीं है। तो यार ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना देखने में, कितनी प्रीमियम लग रही है। तो चलो इसके अंदर भी बैठते हैं, बाइक को पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। अब शायद पहला मिशन अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर नहीं हुआ तो समझ लो भाई यही कार नहीं थी, कोई और कार थी। बट एक मिनट पानी के बाहर लाकर पता चलेगा। और हाँ भाई साहब फाइनली अपना पहला मिशन अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके दूसरा मिशन देखना पड़ेगा मोबाइल में कौन सा है। ओके मैसेज तो आ चुका है, शायद मिशन ही आया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पर मिशन है किल बिग डायनासोर विद पिस्टल। अच्छा हमें बड़ा डायनासोर मारना है, वो भी पिस्टल से भाई साहब। ओके मैं आ चुका हूँ जुरासिक पार्क के अंदर। अभी सबसे पहले 9129 से इन्फिनिटी हेल्थ को लगा लेते हैं, कभी पता चले भाई डायनासोर को मारने से पहले डायनासोर हमें मार दे। ओके अभी चलते हैं बड़े वाले डायनासोर को ढूंढने, और वो रहा मेरे सामने, एक मिनट भाग के आ रहा है। रुक बेटा तेरी वाट लगाता हूँ, रुक जा। और गाइस अगर मैंने इसको पिस्टल से मार दिया ना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ले बेटा ले 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 बेटा, आज तो तेरा काम होने वाला है, मुझे लग रहा है ना ये मरने वाला है। ओके भाई मर जा, मेरा दूसरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। मर नहीं रहा यार, कितनी बुलेट मार दी मैंने इसको, कुछ हो भी रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। ये छोटा बच्चा भी आ गया इसका, भाई छोटा बच्चा क्यों लेकर आया, तुझे ही मारना है, मुझे इसको नहीं मारना। और एक मिनट, अरे भाई साहब मर गया। तो गाइस जल्दी से इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये हमारा दूसरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। ओके अब बारी है अपने तीसरे मिशन की, और ये क्या भाई मैसेज भी आ गया। और ये देखो मिशन भी अपना आ चुका है, किल 15 NPC इन 5 मिनट, मतलब कि हमें 15 NPC को मारना है 5 मिनट में। यार ये तो मुझे इजी लग रहा है, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, यहाँ पर 9129 से इन्फिनिटी हेल्थ को लगा लेते हैं, पता चले NPC को मारने से पहले पुलिस आ जाए और वो हमें मार दे और तीनों मिशन यहाँ पर फेल हो जाए अपने। ओके तो यहाँ पर अभी काम करते हैं, एक NPC वो रहा सामने, दो वो हैं और एक उधर है, तो यार काफी सारे NPC हैं। तो चलो खेल स्टार्ट करते हैं, और शायद मेरे हिसाब से टाइमर भी स्टार्ट हो चुका होगा। ओके पहला NPC ये रहा, रुक जा बेटा रुक जा। ओके एक, इसके बाद में दूसरा NPC ये है, दो, 15 मारने है ना। ओके तीन, एक एक किल में मारूंगा, एक एक शॉट में मारूंगा सबको। और ये अबे रुकना भाई, कितने बुलेट मार रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। और ये चार उसके बाद में, और रुकना भाई प्लीज रुक जा जल्दी से, इसके लगा के 5 हो जाएंगे यहां पर, और ये 5 ठीक है। लास्ट एक बंदा मारना है, और ये रहा 15 में अपना NPC, और ये 15 कंप्लीट। ओके मेरे हिसाब से यहाँ पर तीनों मिशन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और हाँ ये देखो तीसरा मिशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी टाइम आ चुका है चाबी का, फोन के अंदर देखते हैं की लोकेशन क्या है, और ये की नियर द टनल। अच्छा चाबी टनल के पास में आ चुकी है, ऑटोमेटिकली मिशन कंप्लीट करते ही। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टनल के अंदर जाने के लिए, और वहां पर मुझे देखना है उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने ना बाइक को जल्दी से स्पॉन कर लिया, अभी चलते हैं जल्दी से फटाफट। ओके गाइस अपने को चाबी मिल चुकी है, वो रही सामने, आपको दिख रही होगी। ये देखो भाई साहब फाइनली तीनों मिशन कंप्लीट करने के बाद चाबी मिल चुकी है, एंड अभी टाइम आ चुका है गेट खोलने का। और ये क्या भाई साहब, ये तो ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो रहा है। ओके जहां पर लॉक लगा हुआ वहां पे लाइट आ रही है, और की अंदर गई। भाई साहब कितना मस्त लग रहा है देखने में गाइस, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो गेट खुल चुका है फाइनली, अभी चलते हैं टनल के अंदर। भाई साहब फाइनली इतनी मेहनत के बाद अपन आ चुके हैं टनल के अंदर, और भाई कितना अंधेरा है यहाँ पर गाइस, प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके थोड़ी सी आगे और चल के देखते हैं इस टनल में क्या क्या है। मुझे तो लग रहा है भाई पत्नी जंगली जानवर वगैरह ना हो यार, बस डर लग रहा है, पता नहीं इतना अंधेरा है। और ऊपर क्या है भाई साहब, मैंने बोला था क्रेचर है ये देखो। इसके अलावा भी गाइस टनल के अंदर पता नहीं और भी क्या क्या है, सोना है, लग्जरी गाड़ियां हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पूरा टनल के अंदर जाएंगे, तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो पे लाइक कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।